नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे अपने विकी सिंगल वर्क चैनल पर। तो आशा है कि दोस्तों आप सभी लोग भगवान की कृपा से अच्छे हो। तो जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों, ये रैंप है दोस्तों, इसे रैंप बोलते हैं। जो हमने अभी अभी लोहा बिछा के, लोहा काट के इस लोहे को बांध के अच्छे से सेट कर दिया है। अब इसके ऊपर सिर्फ कॉन्क्रीट का माल ही आने वाला है। तो ये जो कॉन्क्रीट का माल है, ये हम 4 इंच पर लेने वाले हैं इसे। और ये जो रैंप है, ये रैंप 6x6 फीट का रैंप है। ऐसे ऐसे और ऐसे, ये 6x6 फीट का रैंप है। तो ये जो कॉन्क्रीट का माल आने वाला है, इसके ऊपर जो इधर से जो लोहे का एंडिंग भाग है ना, एंडिंग वाला भाग है ना, इस ये जो है ना, ये ऐसे 2 इंच ऊपर रहेगा। इस ये जो रैंप है ना, ये 2 इंच ऊपर रहेगा। और ये जो जगह है अंदर की, ये पोर्च, तो ये पोर्च डाउन रहेगा, यानी कि 2 इंच डाउन रहेगा। और डाउन से ये रहेगा ताकि जो आगे चलकर जब हमारे घर मालक स्टाइल लगाएंगे, तो स्टाइल के हिसाब से ये सीधा स्टाइल के हिसाब से लेवल में आ जाएगा। 2 इंच ऊपर उठेगी स्टाइल, 1.5-2 इंच, और इसके लेवल में पूरा रैंप के लेवल में स्टाइल आ जाएगी। तो हमने ऐसे सेट किया है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, पूरा का पूरा ये वाला पोर्शन आगे का देखिए, आप देख रहे हैं। तो ये जो आगे का पोर्शन जो है, ये वाला इस जो जुड़ाई दिख रहे हैं ना आपको, ये नाली की है, ये नाली है। तो हमने नाली की जुड़ाई कर दिए। तो दीजिए, देख देते हैं हम। तो देखिए दोस्तों, ये पूरा का पूरा जो है ना, ये बाहर का पेस है, यानी कि रास्ते का पूरा रास्ता है इधर। ये 12-13 फीट का रास्ता है बाहर का, और जो थोड़ा स्पेस जगह है, तो हमने इस जो बाहर का जो रास्ता है ना, तो रास्ते से ये जो रैंप है, ये रास्ते से हमने 3 फीट के आसपास हमने इस रैंप को थोड़ा बाहर निकाला है, जो से गाड़ी ऊपर चढ़ने के लिए। और ये जो नाली है दोस्तों, इस नाली के ऊपर हमने पहले ये जो कड़प्पा है, इसके ऊपर हमने पहले जो फर्सी की तरह रहता है, स्टाइल की तरह कड़प्पा रहता है, तो हमने इसके ऊपर नाली के ऊपर पहले कड़प्पा डाल दिया। और कड़प्पा इसलिए डाल दिया, जब हम कॉन्क्रीट का माल डालेंगे ऊपर से, तो ये नाली में नहीं गिरे। इसलिए हम इसके ऊपर कड़प्पा भी डाल सकते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं, मतलब जो वजनदार, मतलब जो इसके एक लेवल में होना चाहिए। मतलब हम प्लाई भी लगा सकते थे इसके ऊपर, पर क्या करें दोस्तों, मगर जो प्लाई है रहती है ना, सेंटरिंग की प्लाई, तो सेंटरिंग की प्लाई निकालने में बहुत ही तकलीफ जाती अगर, और निकल भी नहीं सकती थी। इसीलिए हमने इसके ऊपर सीधा सीधा कड़प्पा डाल दिया, बहुत ही आसान काम हो गया हमारा। तो देखिए दोस्तों, ये जो लोहा है, ये लोहा हमने 6-6 इंच पर हमने इस लोहे को बांध दिया है, एकदम एक्यूरेट बांध दिया है अच्छे से काट के। और जुड़ाई के साथ इस रैंप के पहले हमने लेवल निकाली है ऊपर से नीचे तक। ये जो है ना, ये सही है, ये जो स्लैब दिख रहा है आपको, ये स्लैब से हमने ये जो जुड़ाई है, ये वाली जुड़ाई है, ये जुड़ाई नाली की जुड़ाई हमने 4 इंच नीचे रख दी है, जो 4 इंच इसके ऊपर कॉन्क्रीट का माल आने वाला है इसलिए। और जो दरवाजा रहता है, ये जो गेट है, इस गेट को भी थोड़ा 2 इंच ऊपर रखने के लिए। और ये जो जुड़ाई दिख रही है आपको, ये वाली ये पहले सेव कर दी। और ये जो जुड़ाई दिख रही है आपको, एक जुड़ाई हमने 6 इंच ऐसे डाउन रख दी, 6 इंच इसलिए डाउन रख दी, यानी कि जो स्लोप आता है, वो स्लोप ऐसे आता है, ऐसे, मतलब नहीं तो ऐसे सीधा हो जाता है, इसलिए इस जुड़ाई को हमने 4 इंच डाउन रख दिया और 6 इंच ऐसे ऊपर रख दिया। तो देखिए दोस्तों, ऐसे हमने पहले इसके इस जुड़ाई में ही हमने इसको पहले थोड़ा इसका स्लोप निकाला है, और इसके बाद हमने इसके अंदर जो मसाला रहता है, जो गिट्टी खराब, जो मिट्टी रहती है, जो मुरुम रहता है, तो सब ऐसे डाल दिया है। ऊपर से जो बड़ी वाली रेत रहती है, मतलब यानी कि बड़े 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 पत्थर की, वो रेत इसके ऊपर डाल दिए। उसके बाद हमने लोहा बिछा, अच्छे से लोहा सेट करके बिछा दिया है। तो देखिए दोस्तों, अब जैसा कि आप देख रहे हैं हमने कैसे काम किया है। तो आज बहुत टाइम हो गया यार, खाना खाने में भी हमारा तो 2 मिनट 2 बजे का लंच होता है, मगर आज 3 बज गए हमको ये काम करते समय। चलिए कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, काम है कम ज़्यादा, काम में थोड़ी देर भी होती है, थोड़ा जल्दी भी काम होता है, और थोड़ी देर भी होती है खाना खाने में, कोई हरकत नहीं। तो देखिए दोस्तों, ये भाई स्लोप, तो अब हम इसके ऊपर सिर्फ कॉन्क्रीट का माल ही डालने वाले हैं, बाकी तो सब हो गया। देखिए इस घर का आगे का जो फ्रंट है कैसे दिखता है, तो आप एक बार देख लीजिए पूरा का पूरा घर। देखिए दोस्तों, ये बस कल एक काम पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा इस घर का, और हम उसके बाद दूसरी साइड पर जाएंगे दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये घर शानदार घर कैसे है, तो
आशा है कि दोस्तों आपको ये रैम का वीडियो अच्छा लगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि ऐसी जानकारी जानना आपको जरूर है। और मिलते हैं दोस्तों ऐसे ही मज़ेदार वीडियो के साथ अगली वीडियो में। और अगर आपको घर के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए तो मुझे कमेंट में बताना, मैं आपको दिल से बताऊँगा। जय हिंद, जय शिवराय।